स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी मैम, इट्स एन ऑनर फॉर मी हैविंग फर्स्ट एवर गेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन द ओकेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. यू आर ऑन द हर्षिल लुथरा शो, सो आई फर्स्टली वेलकम यू टू ऑन माई चैनल. सो हाउ इज योर फीलिंग मैम? Thank you, Jai Hind, to all your listeners and to you, Harshit. It's an honor for me also to be speaking to a person like you, young person. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके जैसे लोगों को देखती हूँ हमारे देश में कुछ अलग हटके काम करते हुए. बहुत conventional fields नहीं है ये जिनमें आप काम कर रहे हैं, पर एक अच्छा संकेत है कि हमारे देश के युवा इस तरह के फील्ड्स में भी अब अपनी एंट्री कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं. सो गुड लक टू यू. हमारे देश के हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी 15 अगस्त भी आने वाला है, तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही गर्व का क्षण है हम सभी के लिए. वैसे ना मैं पॉडकास्ट के एंड में सबको थैंकफुल करता हूँ, बट मैं आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ही थैंकफुल करना चाहूंगा, बिकॉज आपने 10 साल हमारे नेशन को सर्व किया है इन द फील्ड ऑफ इंडियन एयरफोर्स. तो मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे करोगे कि हु इज तुलिका रानी, तो प्लीज थोड़ा सा वहीं से स्टार्ट करें. जी, सबसे पहले जब भी कोई भी इंसान अपनी कोई परिभाषा अपना परिचय देना चाहे तो मुझे लगता है एक परिचय तो यही होना चाहिए कि मैं अगर अपने विषय में बोलूं तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी व्यक्ति हूं जो अभी भी इवॉल्व हो रही है, जिसको लगता है कि इंसान के भीतर बहुत ज्यादा प्रतिभा है, बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं और ये एक जीवन बहुत कम है उन क्षमताओं को पूरी तरीके से यूज करने के लिए. तो मेरा जो व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि वो चाहता है कि अपने अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, जितना भी पोटेंशियल है, उसका मैं उपयोग इस तरह से करूं कि न सिर्फ मेरी बढ़ोतरी हो, मेरी प्रोग्रेस हो, बल्कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, एक मानवता के लिए कुछ छोड़कर बहुत अच्छा जा सकूं. तो मृत्यु सभी की होनी है, लेकिन मृत्यु के बाद जो बचता है वही सार्थक है, वही सच है. तो अगर मेटीरियल प्लेन्स पे बात करें तो 21 साल की उम्र में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भारतीय वायुसेना में एक कमीशन अधिकारी के रूप में आ सकी. एक कार्य करने का अनुभव मुझे मिला, मौका मिला. उसके बाद 10 वर्ष मैंने भारतीय वायुसेना में कार्यरत रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में स्पेशलाइजेशन मेरा उसमें वायु यातायात सेवा नियंत्रण में रहा. और लास्ट का जो मेरा टेन्योर था अपने 10 साल में से 2.5 साल के करीब, वो हमारी भारतीय वायुसेना एकेडमी जो हैदराबाद में स्थित है डुंडीगढ़ में, वहां बतौर एक सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी के मुझे कार्य करने का अनुभव हुआ. वो मेरे पूरे टेन्योर का मैं कहूंगी कि एक सबसे ज्यादा हाईलाइट था, क्योंकि एक जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हमारे देश की सेवा करने के लिए, उस तरह सेवा देश की सब कर रहे हैं लेकिन फौज में जाके देश की सेवा करने के लिए जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जाते हैं, उनके दिमाग में तो पहले से वो जज्बा होता है, लेकिन किसी बच्चे को एक सैनिक बना देना, किसी युवा को, युवती को एक सैनिक में तब्दील कर देना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है. तो मुझे ऐसा मौका भगवान ने दिया कि मैं उन लोगों का वो ट्रांसफॉर्मेशन देख सकी, जिसमें कोइंसिडेंस रहा, बहुत ही प्लेजेंट कोइंसिडेंस कि हमारे देश की प्रथम 3 महिला फाइटर पायलट्स भी शामिल थी. तो मुझे सौभाग्य रहा कि उन्हें और उनके साथ साथ बहुत सारे भावी अधिकारियों को, जो अब खुद ही स्क्वाड्रन लीडर बन चुके हैं, मुझे वो ट्रेनिंग सैन्य प्रशिक्षण देने का अनुभव रहा. साथ ही मैंने माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में भी अपना पदार्पण किया 2009 में, और उसके बाद एक दशक से ज्यादा हो चुका है माउंट एवरेस्ट सहित किलिमंजारो अफ्रीका में, रशिया में एल्ब्रुस और नेपाल में कई सारी चोटियां हैं, हमारी भारत में भी, भूटान में, ईरान में जो एशिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दामावर, उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का सौभाग्य रहा. तो इस तरह से टोटल 24 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान देश विदेश में करने का मुझे मौका मिला. साथ ही अपनी किताब मैंने लिखी है जो कि बियॉन्ड दैट वॉल, रिडेम्पशन ऑन एवरेस्ट, इसके विषय में हम थोड़ा बाद में विस्तार से बात करेंगे. पिछले साल पब्लिश हुई है. और अब मैं एक पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान इंडिविजुअल स्तर पर कुछ कर ले तो उसे बाकी लोगों तक भी वो बात पहुँचानी चाहिए, ताकि लोग, इसलिए नहीं कि हम ग्लोरीफाई हों, इसलिए कि दूसरे लोग भी अपने अंदर की क्षमताओं को जानकर अपने सामने आने वाली विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्यों तक पहुंच सके.
सो ये है इन शॉर्ट मेरे विषय में. मैं आपसे आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा, क्योंकि जैसे किसी के मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में था, मतलब आप इंडियन एयर में आर्मी में, या आपने खुद से शुरुआत मतलब आपके साथ कैसे था कि मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना है या आर्मी में जाना है या मिलिट्री में जाना है. सो आपसे जानना चाहूंगा. जनरली देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग हिचकते हैं ऐसा काम करने में जो कि किसी ने पहले किया ना हो. हालांकि फौजी ट्रेडिशन तो हमारे देश में हमेशा से रही है, वीरांगनाएं तो हमारे देश में हमेशा से रही है, पर अगर पहले हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया या हमारे आसपास के क्षेत्र में किसी ने नहीं किया तो ऐसा काम करने में लोग हिचकिचाते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें करेज की जरूरत होती है. तो ऐसा नहीं था कि देखिए मैं हमेशा से ऐसी व्यक्ति रही हूँ कि मुझे लगता है कि अपने निर्णय अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से व्यक्ति को लेने चाहिए. तो हमारे घर में कोई बेशक है उस क्षेत्र में या नहीं है, ये बात सभी बच्चों के लिए है जो हमें सुन रहे हैं, या उस हर व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन में और कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे वो किसी ने किया है या नहीं किया है. अगर आपको लगता है कि आपका व्यक्तित्व उस कार्य के करने के लिए सही है तो आपको वो कदम बढ़ाना चाहिए. और इसीलिए मैं बहुत स्टूडियस टाइप की इंसान थी अपने बचपन में, हमेशा टॉप किया करती थी 10th में 12th में. ग्रेजुएशन में मेरा 16th रैंक रहा अपनी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में. आगे जाके भी जितने भी मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में कोर्सेज किए हैं, जो भी फौज में भी किए बाद में जाके, नाउ आई एम डूइंग माय पीएचडी आल्सो, बाद में मैंने नेट भी क्लियर किया, तो एक बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड मेरा रहा. तो हमारी सोसाइटी में स्पेशली लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई में अच्छे व्यक्तियों को एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में चले जाना चाहिए, आईएएस बन जाना चाहिए, नेचुरल कोरोलरी वही रहती है. लेकिन मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक और पोटेंशियल है, और वो था लीडरशिप का. वो एक ऐसा पोटेंशियल था जिसमें मुझे लगता था मुझे बहुत सारे जानीमत लोगों के बीच में रहना चाहिए. एंड आई हैड दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी इन माई ओपिनियन, एक आउटगोइंग पर्सनैलिटी. तो इसलिए मैंने फौज को चुना. मैंने एनसीसी लिया था अपने ग्रेजुएशन में, और वो भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा मेरे भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का. So ma'am, as a girl, what challenges you faced? Because like a parents' pressure or neighborhood, yeah, relatives that why you join this Indian Army? You have, you can do any other thing. You can do any other job as well. So what challenges you faced? देखिए ये बात सच है कि हमने बहुत प्रगति की है महिलाओं को उनके राइट अधिकार उनके देने के लिए. और अगर हम अपने पुराने समय की बात कर लें तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं को समान अधिकार हमेशा से प्राप्त थे. अगर हम वैदिक सोसाइटी की बात करें तो एक टर्म आता है सभा और समिति. तो सभा में पुरुष और महिला समान रूप से हुआ करते थे और वो राजा का चयन किया करते थे. आज अगर आप यज्ञ की बात करें या कोई भी ऐसे बहुत अनुष्ठान जब होते हैं हमारे परिवारों में तो हमेशा घर की जो महिलाएं हैं वो भी साथ में बैठती हैं, उनके बिना वो कार्य पूरे नहीं होते. हमेशा से हमारे यहाँ पे महिलाएं रही, जैसे गार्गी हैं, अपाला हैं, घोषा हैं, ना लोपमुद्रा हैं, ये सारे उन महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने वेदों में ऋचाएं लिखी हैं और जो शास्त्रार्थ किया करती थी. तो बीच में कोई ऐसा समय आ गया कि जहां धीरे धीरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस महिलाओं पर लगने लग गई, और फिर हम देखते हैं कि फिर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा. तो ये सच है कि आज भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें महिलाओं को अपने जीवन के खुद निर्णय लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो कि पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं. तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरा परिवार हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा. मैं बहुत ही ब्लेस्ड सोल हूँ इस विषय में. तो परिवार सपोर्टिव है, लेकिन हम भी समाज में रहते हैं तो समाज हमेशा एक ऐसी धारणा लेके चलता है कि महिलाओं को ऐसे काम करने चाहिए जो कि फिजिकली बहुत चैलेंजिंग ना हो, जिनके करने के साथ साथ वो एक नौकरी तो हो जाए, लेकिन नौकरी के साथ साथ जो उनका प्राइमरी वर्क है, घर, परिवार, परिवार की सेवा, परिवार का कार्य, उसके लिए उनको समय मिल जाए. महिलाओं को अभी भी अपने आप में एक प्रोफेशनल पर्सन के रूप में देखना हमने चालू नहीं किया है. तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ये अपोजिशन है, चैलेंजेस हैं, वो हर महिला फेस करती है मुझे लगता है. डेफिनेटली मेरे सामने भी आए. लेकिन एक बात मैं यहाँ अपने समाज को भी बता दूं और महिलाओं को भी बता दूं कि
जेंडर से किसी की प्रतिभा निश्चित नहीं होती है। मैरी क्यूरी का नाम हम सब ने सुना है ना, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, हमें गिराने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना चावला का नाम सबने सुना है। अभी हमने आपसे बात की कि हमारे देश की पहली 3 फाइटर महिला पायलट्स जो मेरी कैडेट्स भी रही, तो उन सब ने अपनी प्रतिभाएं हमेशा से मंगवाई है। आवश्यकता है कि समाज अपना थोड़ा सा नजरिया उसके प्रति चेंज कर ले कि महिलाएं काम कर सकती हैं नहीं। आप मुझे देखेंगे तो इमीडिएटली शायद आपके दिमाग में वो थॉट आ नहीं सकता है कि इन्होंने किसी को पिस्टल चलाना सिखाया होगा या लेकिन वो सोच बदलनी चाहिए। वो सोच बदलनी चाहिए और इसीलिए समाज में ये आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाओं हो, बच्चियों को, सबको समान शिक्षा के अवसर दें और सबको समान उनके निर्णय लेने का राइट दें। So ma'am, as an Indian Air Force officer, people have so many myths related to Indian Air Force specially. Like people have knowledge about Indian Army, Indian Navy, but no one knows about the Indian Air Force because no one has explained that what Indian Air Force do. So like, I want to know about you that what an Indian Air Force do. हाँ, देखिए एयर फोर्स नाम से ही अपना क्या एयर उसमें जुड़ा हुआ है, फोर्स उसमें जुड़ा हुआ है ना। तो मिलिट्री आर्म फोर्सेस हैं जो देश के आकाश की रक्षा करती हैं, वो एयर फोर्स का काम है अगर सिंपल टर्म्स में कहें। उसके अलावा देखिए अपने आप में पूरा तंत्र है। जनरली जब हम एयर फोर्स की बात करते हैं तो पहला थॉट हमारे दिमाग में आता है पायलट्स। तो पायलट्स तो नो डाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट फेसेट है इंडियन एयरफोर्स का, लेकिन उनके साथ साथ जो भारतीय वायुसेना है वो एक टीम की तरह काम करती है। क्योंकि जब एक पायलट एक जहाज लेके जाते हैं उससे पहले बहुत सारा ग्राउंड वर्क हो गया होता है। वो जहाज को फिट, मतलब एक मेंटली सॉरी मैकेनिकली फिट रखना, उसका मेंटेनेंस करना एक अलग ब्रांच, मेंटेनेंस ब्रांच का काम है। और लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग है जो ये निर्धारित करती हैं कि कोई 2 प्लेन्स आपस में ना टकरा जाएं, कोई क्रैश ना हो मिड एयर। और मेट्रोलॉजिकल ब्रांच है जो वेदर डिपार्टमेंट है, वो वेदर बताते हैं तब कोई जहाज उड़ते हैं। तो अकाउंट्स ब्रांच है, एक एजुकेशन ब्रांच है, ये सारी ब्रांचेस हैं भारतीय वायुसेना के अंदर। तो ये सब जब एक सामंजस्य में काम करते हैं तभी जाके वो सॉटी हो पाती है, तभी जाके हमारे पायलट्स उड़ पाते हैं। तो अब से जब हम एयरफोर्स के बारे में सोचें तो ग्राउंड ड्यूटीज और फ्लाइंग ये सब एक साथ तालमेल बना के चलते हैं। तो लाइक मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आपका क्या वर्क एरिया था एयरफोर्स के अंदर। हाँ, मेरी ब्रांच थी एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रशासनिक अधिकारी थी मैं। और उसके साथ साथ एक सब ब्रांच होती है उसमें स्पेशलाइजेशन के फील्ड में, भारतीय वायुसेना में वायु यातायात सेवा नियंत्रण, एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग। तो जब आप लोग कहीं प्लेन से जाएंगे तो जब प्लेन लैंड करेगा तब देखिएगा एक ग्लास का टावर जैसा बड़ा सा लंबा सा आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, तो उन मेरा जो काम था वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग का था, ये निश्चित करना कि किसी भी 2 जहाजों के बीच में कोई क्रैश ना हो, कोई टक्कर ना हो, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना बेसिकली। क्योंकि एक एयर स्पेस में बहुत सारे जहाज एक साथ उड़ते हैं, तरह तरह के जहाज उड़ते हैं, कोई फाइटर है, कोई ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई सिविल एयरक्राफ्ट है। सबकी स्पीड अलग है और सबका पैरामीटर्स अलग अलग हैं, सबके फंक्शंस अलग हैं। तो उन सबके बीच में एक सेफ्टी बनाए रखना एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर का काम होता है। लास्ट में मेरा इनफैक्ट थोड़ा सा और मैं कहूंगी कि सौभाग्य रहा कि मुझे सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी लास्ट में बनाया गया था 2.5 साल के लिए, जिसपे हम पहले बात कर चुके। तो लाइक मैम एयरफोर्स में जैसे आपने बताया क्रैश नहीं होते और बहुत सारे एयर स्काई में उड़ रहे होते हैं एयरप्लेन्स लाइक फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स, तो लाइक वो आप कैसे मेंटेन कर पाए, मतलब वो कैसे मेंटेनेंस होते हैं उनकी, तो उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, उसका देखिए बहुत सारे रूल्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे यहाँ उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस निर्धारित हैं, लेट डाउन है। तो जब भी कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर बनते हैं उससे पहले उनको उन सारे रूल्स से अवगत होना मैंडेटरी है। वो ट्रेनिंग हमें दी जाती है किस तरह से कौन से जहाज कहाँ है, तो कितना सेपरेशन किस जहाज के बीच में रखना है। उसके अपने टेक्निक्स हैं, रेडार होते हैं उसके साथ साथ, तो इक्विपमेंट भी है आपके पास। एक RT सेट होता है जिससे कि आप रेडियो टेलीफोनी
एक हेडसेट लगा लेते हैं और उससे आप जहाज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ग्राउंड में भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिनको जिनके आधार पर हमें ये पूरी एक मेंटल पिक्चर रहती है कि हमारे हिस्से के एयर स्पेस में कितने जहाज उड़ रहे हैं, कहाँ उड़ रहे हैं, अब किस जहाज को लैंडिंग के लिए आना है, अब कौन सा जहाज टेक ऑफ करेगा, किसको अभी क्लाइम करनी है ऊपर, किसको डिसेंड करना है। तो ये सब उसी रनवे पे होना है, उतने ही एयर स्पेस में होना है। तो अभी एक तरीके से वीडियो गेम जैसा आप समझ लें कि किसको कहाँ पीछे लगा दें, किसके किसको रोक लें, किसको आगे भेज दें, ये सारा। तो कोई ग्राउंड पे जहाज बहुत सारे एक साथ निकल के डिफरेंट डिफरेंट टैक्सी वेज से रनवे की तरफ आ रहे होंगे, तो किसको कब होल्ड करना है, किसको क्लियरेंस देना है, ये सारा एक बहुत ही मेंटल अलर्टनेस का काम है। तो ये है थोड़ा सा ब्रीफ में वायु यातायात से बने। तो लाइक मैं आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहूंगा कि लाइक इतने सारी चीजें बैलेंस करना एक बहुत टीडियस टास्क है, तो वो आप कैसे आपकी मेंटल स्टेट चेंज होती थी और आपकी मतलब वहां से लर्निंग्स क्या रही, आपकी मतलब कैसे कैसे स्टेट से आपको गुजरना पड़ा उस एयरफोर्स की जर्नी में, तो मैं आपसे वही जानना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, देखिए मेंटली आपने बहुत ही अच्छा ये टॉपिक टच किया यहाँ पे, मेंटल स्टेट क्या है, मेंटल फिटनेस क्या है बेसिकली एक सोल्जर की। क्योंकि फिजिकली जब आप कोई इतना इस तरह का स्ट्रेनस काम करते हैं तो मेंटली स्ट्रांग हुए बिना आप ये सब कर नहीं सकते हैं। तो ये सब चीजें सोल्जर्स को उनकी ट्रेनिंग के दौरान ही सिखाई दी जाती हैं, उनका पूरा माइंडसेट ही बदल दिया जाता है। आप जब भी किसी फौजी से मिलेंगे, चाहे उनके रिटायरमेंट के कितने भी समय बाद आप मिले, पाएंगे कि उनका नजरिया जिंदगी के प्रति ही एक बहुत अलग है। वो लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, हार नहीं मानते हैं, बहुत जल्दी चैलेंजेस में दुखी नहीं हो जाते हैं। एक टीम स्पिरिट बहुत जबरदस्त होती है फौजी कम्युनिटी में, चाहे वो कहीं पे भी हो। तो ये सब चीजें उनको ट्रेनिंग के दौरान ही दे दी जाती है। ट्रेनिंग ही इस प्रकार की है मिलिट्री की कि आप छोटे छोटी चीजों से ऊपर उठकर अपने आप को एक टीम के रूप में देखने लगते हैं। आपका एक पर्पस जो है वो बहुत बड़ा पर्पस आप ले लेते हैं जिंदगी में, इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठकर पर्पस आपका हो जाता है देश की रक्षा। अल्टीमेट पर्पस एक फौज का है देश की रक्षा, और उस देश की रक्षा में आप अपने छोटे मोटे मतभेद अपनी इंडिविजुअलिटी को भुलाकर एक टीम बन जाते हैं। और आपको पता है कि मेरी टीम का अगर एक लिंक वीक है तो उसका काम मुझे करना है, क्योंकि मेरा जो टास्क है वो इम्पेयर नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हर व्यक्ति उस टीम का यही ध्यान में रख के चलता है कि टास्क को कंप्लीट करना है, चाहे वो करे चाहे उसकी जगह मैं कर दूं। ये थोड़ा सा हमें ये कमी सिविल सेटअप में यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन फौज में ये भावना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ट्रेनिंग इस तरीके से डिजाइन की जाती है, दिमाग में ये चीज भरी जाती है कि आप धर्म, कास्ट या रीजन ये सब नहीं देखेंगे। कौन किस रीजन से आ रहा है, कोई मद्रास से होगा तो हम यूपी से होंगे, पर नॉर्थ या साउथ वाला डिवाइड हम वहां नहीं देखेंगे। अगर मेरे बगल नहीं, वहां पे हम जेंडर का डिवाइड भी नहीं देखते हैं। जितना मैं वहां रही हूँ, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि जेंडर वाइज क्या आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा था। हाँ कुछ एरियाज हैं जिसमें अभी और प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर ब्रॉड वे में देखा जाए तो एक रैंक स्ट्रक्चर है, उस रैंक के हिसाब से आपको टास्क में स्पेशल असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे और ये छोटे छोटे चीजों में डिवाइड नहीं होंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है फौज की है, वो है फौज की यूनिटी ऑफ पर्पस। तो ये ट्रेनिंग, और जहां तक बात है एयर ट्रैफिक कंट्रोल में काम करने के लिए जो अलर्टनेस चाहिए, बहुत ज्यादा अलर्टनेस चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत कमांड किसी पायलट को बहुत सारे लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल सकता है। वहां पे आपको मिस्टेक करने का कोई स्कोप नहीं है। सो एक तरीके से दिमाग में आपके सारे बल्ब जले होने चाहिए एक टाइम पे, और आपको सब पता होना चाहिए कि पूरी, जिसे हम सिचुएशनल अवेयरनेस कहते हैं, तो सिचुएशन क्या चल रही है एयर में, सिचुएशन क्या है आपके ग्राउंड पे, कौन सी गाड़ी कहाँ से निकल रही है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन का इनपुट आ रहा है, वो सब एक बहुत ही हाई अलर्टनेस वाली स्टेट होती है मेंटल स्टेट। और मुझे लगता है कि फौजी होने के नाते वो हर किसी में मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के टाइम से ही डाल दी जाती है। सो नथिंग स्पेशल अबाउट इट, दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट इज इन देयर सिस्टम, और वो उनके सिस्टम में हमेशा ही रहता है फिर। सो लाइक मैम स्क्वाड्रन जो आपकी प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है, और आप अपने आगे भी वो स्क्वाड्रन लीडर,
सो मैं वही स्क्वाड्रन के बारे में जानना चाहूंगी, व्हाट इज स्क्वाड्रन? ये एक नंबर ऑफ पीपल को प्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सोल्जर्स को, आई वुड कॉल देम पीपल एज सच, बट नंबर ऑफ सोल्जर्स, तो हम जैसे फ्लाइट्स बनाते हैं एक छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं अपने सोल्जर्स को, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं एक पर्टिकुलर रैंक के ऑफिसर को. तो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स मिलकर स्क्वाड्रन बनाती हैं, तो जो ऑफिसर उस स्क्वाड्रन को, मतलब एक फ्लाइट में हमने नंबर ऑफ सोल्जर्स रखे, तो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ फ्लाइट्स है वो मिलकर स्क्वाड्रन बनाएंगी. उस स्क्वाड्रन को लीड करने की जिम्मेदारी जिस अफसर को दी जा सकती है उसको हम स्क्वाड्रन लीडर कहेंगे. ये रैंक जो है आर्मी में मेजर जैसे होते हैं उसी के बिल्कुल बराबर की रैंक है. तो ये है स्क्वाड्रन लीडर की पिक्चर. एक मूवी भी आई थी बहुत पहले, वीर ज़ारा, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी, कुछ कुछ लोगों ने आप उसको, वीर ज़ारा, जिसमें की एक स्क्वाड्रन लीडर हुआ करते थे. भारतीय वायुसेना पे ज्यादा मूवीज नहीं बनती हैं इसलिए लोगों को थोड़ा उतना रैंक के विषय में पता नहीं है. पर ये स्क्वाड्रन लीडर इज इक्वल टू मेजर इन द आर्मी, और स्क्वाड्रन का मतलब मैंने आपको भी बता दिया. सो मैम, एज ए लीडर आप क्या लीडरशिप के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एज ए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सो लीडरशिप के बारे में आप बता दो थोड़ा सा. ये सिंपली अगर मैं लीडरशिप को डिफाइन करना चाहूँ तो वो ये है कि जो व्यक्ति अपने शब्दों से, अपनी पर्सनालिटी से, अपने काम से, एक्शन से लोगों में ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर कर सके कि जो वो कह रहे हैं वो करना चाहिए, वही एक लीडर है. सो मिलिट्री लीडरशिप स्पेसिफिकली इसी टर्म्स में समझी जाती है, और बाहर भी यही है कि सबसे पहले एक लीडर के लिए ये जरूरी है कि अपने आप में उसकी इंटीग्रिटी हो, जो वो कह रहे हैं उसमें बिल्कुल एक कन्विक्शन होना चाहिए, और दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है उनकी बात उसे वो विश्वास होना चाहिए कि कहने का मतलब करना, इस व्यक्ति ने अगर ये कहा है वो ये कर देंगे, और इस पे हम अपनी जान को भी सौंप सकते हैं इस व्यक्ति के ऊपर. ये पीछे हटने वाले नहीं है, करेजियस हैं और एक जिम्मेदारी लेने के लायक हैं. लीडर वो है बेसिकली, हर व्यक्ति में एक हीरो छुपा हुआ है, हर व्यक्ति में वो हीरोइज्म है, वो करेज है, लेकिन इंसान में अपनी एक अपने आप को सर्वाइव करके रखने की भी एक इंस्टिंक्ट है नेचुरल. हम सब जीते रहना चाहते हैं, हम सब इंजरी से बचना चाहते हैं, है ना, या फिर हम सब एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं. अगर हम एक सिविल एनवायरनमेंट की बात करें, लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको ये बता सके कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, और आपके अंदर जो ये डर है उस डर को निकाल के आगे कदम बढ़ाइए, चाहे वो आगे कदम आपके बैटल जोन में हो या वो आगे कदम आपके सिविल लाइफ के किसी भी उस काम को करने में हो जो आप करना तो चाहते हैं लेकिन डरते हैं. डरते हैं चाहे वहां फेल हो जाने से, या डरते हैं सोसाइटी की वजह से, या डरते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अपनी क्षमताओं में डाउट होने की वजह से. तो कोई भी किसी भी प्रकार का डर है अगर आपके अंदर, एक लीडर अगर आपके सामने है तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको एक बहुत अलग लाइट में देखेंगे. कोई भी व्यक्ति जो आप में ये कॉन्फिडेंस दे दे कि लीडर वो है जो, जैसे हम हनुमान जी को याद दिलाया गया था, काचुप साध रहा बलवाना, तो वो बलवान उनके अंदर का जाग गया और उन्होंने इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा महान काम किया. लीडर वही है जो हर व्यक्ति को ये याद दिला सके कि क्यों चुप साध रहे हो, सारे रिसोर्सेज आपके अंदर है, सारी पावर आपके अंदर है, तो अब चुप साधने की जरूरत नहीं है, उठो जाओ आगे वो काम करो चाहे कितनी भी समस्याएं आए. वो व्यक्ति एक लीडर है. और मैं भी स्वामी विवेकानंद के विषय में रोज थोड़ा पढ़ती हूँ, उनमें मैं एक अल्टीमेट लीडर देखती हूँ. आप देखिए अपनी 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 जो आपके मूल्य हैं उनमें गर्व, एक ऐसा व्यक्ति, और किस समय में वो सब बातें बोल रहे थे, जब भारत गुलाम था, गुलामी के समय में अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों के विषय में वो गर्व जगा देना, ना सिर्फ अपने देशवासियों में बल्कि बाहर के देशों में, वो है असली नेतृत्व. कि आप में वो अंदर जो असहज एक फीलिंग है, अपने अंदर जो ग्लानी की फीलिंग है किसी वजह से, इंफीरियर होने की फीलिंग है किसी वजह से, या अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, एक लीडर में ये क्षमता होती है कि आपको वो विश्वास दिला सके कि आप हीन नहीं है, आप कमजोर निर्बल नहीं है, और एक पर्पस जिंदगी का, एक गोल, एक लक्ष्य जो कि आपके ये जो शरीर है उससे बड़ा है, ऐसा लक्ष्य जिसमें कि आप अपने शरीर की आहुति देने को तैयार हो जाएं, शरीर को कष्ट देने को तैयार हो जाएं, क्योंकि इंसान के जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ एक शरीर को सहेज कर रखने से बड़ा है.
मेरे हिसाब से एक लीडर वही व्यक्ति है। तो लाइक मैं थंडरस्टॉर्म्स और वेदर कंडीशन जो चेंज होती है, मैं उनके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि वो कैसे इफेक्ट करते हैं फाइटिंग जेट को, और जो आप कंट्रोल करते हो जेट्स को और प्लेन्स को, तो वो कैसे इफेक्ट करती है, तो उनके बारे में कर सकते हैं। हाँ देखिए, जैसे एक टेम्परेचर का भी अगर हम देखते हैं, तो टेम्परेचर अगर 40 हो जाता है, 40 टच कर लेता है, तो फ्लाइंग बंद कर दी जाती है, क्योंकि फिर प्लेन्स के फंक्शन पे असर पड़ेगा उतने हाई टेम्परेचर का। सिमिलरली रेन या थंडरस्टॉर्म्स हैं, उनमें फाइटर जेट्स का उड़ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट किसी हद तक उड़ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो वो एयरक्राफ्ट के ऊपर भी निर्भर है कि किस प्रकार का जहाज है और किन वेदर कंडीशंस में वो फंक्शन प्रॉपरली कर पाएगा। और ये सारी कंडीशंस हमें जो हमारा मेट वेदर डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो प्रोवाइड कर देता है, पायलट को भी कर देते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी कर देते हैं। तो ये आपस में हमारा कम्युनिकेशन बना रहता है। अगर हमें, जैसे आपने कभी कभी बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स देखे होंगे, सफेद बहुत बड़े बड़े ऊपर उठते उठते लंबे बादल, जिसको कि हम सी भी कहते हैं, क्यूमुलोनिम्बस, तो वो वाले जो बादल हैं वो बहुत खतरनाक माने जाते हैं किसी भी फ्लाइट के लिए। तो जनरली सी बी की लोकेशन स्पेशली बताई जाती है, जब भी हमें एक मेटार, हम कहते हैं वेदर इंफॉर्मेशन, पास की जाती है हमारे वेदर डिपार्टमेंट द्वारा। तो उसमें ये सी बी कहाँ पे लोकेटेड है, कितने ऑल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, वो बताया जाता है, और पायलट को भी ये इन्फॉर्मेशन पास की जाती है कंट्रोलर द्वारा, ताकि वो उस ऑल्टीट्यूड से या तो नीचे उतरे या वो उस सी बी में एंटर ना करें, क्योंकि एंटर करने से फिर वो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आप अगर एक सिविल फ्लाइट में भी जाएंगे और सडनली आपको बहुत जबरदस्त वाइब्रेशन महसूस होने लग जाए, तो आप ये पाएंगे कि पायलट भी कभी कभी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम बादलों में से गुजर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि पहले से एक कोऑर्डिनेट करके उनसे बचने की कोशिश की जाती है। जैसे इंडियन आर्मी में गन्स, बॉम्ब्स, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो क्या आप ये बता सकते हो कि एयरफोर्स में कौन कौन से वेपन्स, अगर आप थोड़ा सा बता सको तो, उसके बारे में यूज करते हैं इन एयर कॉम्बैट? देखिए, एयरफोर्स के सबसे बड़े वेपन्स तो एयरफोर्स के प्लेन्स ही हैं ना, हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे सबसे बड़े वेपन हैं। तो उनमें बॉम्ब गिराने की भी क्षमता होती है, उसमें आप एक अलग से स्लॉट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आप बॉम्ब अटैच कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बॉम्ब ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरा, आजकल एक इंट वॉरफेयर भी चलता है, सो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी चलता है, इंटेलिजेंस वॉरफेयर भी चलता है। ये दुनिया में जितने भी प्रकार की सेनाएं हैं वो सब इस प्रकार के वॉरफेयर में इंडल्ज होती हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे ये है कि आप दूसरे के रडार्स को जैम कर सकते हैं, या अपनी फ्रीक्वेंसी को किसी तरीके से उनके रडार्स डिकोड ना कर पाए, ये सारे मेथड्स आप एम्प्लॉय करते हैं। तो ये सब हैं हमारे पास वेपन्स, इंडियन एयरफोर्स के वेपन्स ये हैं, और बाकी रेकी और इंफॉर्मेशन गैदर करना, वो सब एक नॉर्मल किसी भी सेना का काम है, जो कि हमारे प्लेन्स करते रहते हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का भी काम अलग से होता है, वो है कि हमारे ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और हमारे मटेरियल को, लॉजिस्टिक्स मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, क्योंकि उसके बिना हमारे प्लेन्स भी अपनी फ्लाइंग नहीं कर सकेंगे। तो एक पूरा जो हमारे प्लेन्स है वही हमारे सबसे बड़े वेपन्स हैं, और जो मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, या फिर रडार्स के द्वारा जो हम करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, ये सब। हर जैसे इंडियन आर्मी में हमारे पास बहुत सारी वो होती है, पोस्ट होती है, रैंकिंग्स होती है, लाइक कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, सो लाइक एयरफोर्स में क्या क्या होता है, तो रैंकिंग्स कैसे डिवाइड होती है, तो ये बताइए। हाँ, पहली है फ्लाइंग ऑफिसर, तो जैसे आप लेफ्टिनेंट लेंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर ले लीजिए, कैप्टन लेंगे तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, उसके ऊपर स्क्वाड्रन लीडर है, विंग कमांडर है, ग्रुप कैप्टन है, और उसके ऊपर में फिर आप ये एयर कमोडोर है, एयर वाइस मार्शल हो गए, एयर मार्शल हो गए, और फिर एयर चीफ मार्शल। So like, जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी ट्रेनिंग्स थी, वो आपको कितना हेल्प करा आपकी एयरफोर्स वाली लाइफ में, जो आपकी एकेडमी ट्रेनिंग्स? बेसिकली एकेडमी की जो ट्रेनिंग है वही आपको ना सिर्फ आपकी फौज की लाइफ के लिए तैयार करती है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी के लिए ही आपका एटीट्यूड चेंज कर देती है। वो सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है, वो एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग का। इंसान
इतना मानसिक स्तर पर सशक्त हो जाता है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी यू कैन मेंटेन योर कूल. आप ये सोचते हैं कि ये मेरा काम किस प्रकार से हो जाए. आपके पास अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो आप ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मैं वो रिसोर्सेज लाके ये काम कर लूं. बेसिकली आपका पूरा ओरिएंटेशन अपने टास्क को अचीव करने की तरफ हो जाता है, ना कि आपके रास्ते में आपके पास क्या क्या नहीं है उसमें क्रिबिंग. सोल्जर्स को आप जनरली क्रिब करते हुए नहीं पाएंगे कि हमारे पास इस चीज की कमी है, उस चीज की कमी है, ये नहीं है. जनरली वो नहीं कहेंगे. उनका जो माइंडसेट है वो ऐसा होता है कि अच्छा कहां से ये ले आए और हम अपना काम पूरा कर दें. तो वो एटीट्यूड इस प्रकार का बना दिया जाता है. ट्रेनिंग फिजिकल भी थी, मेंटल भी थी. और फिजिकल ट्रेनिंग ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जब मैंने माउंटेनियरिंग शुरू की, पर्वतारोहण शुरू किया. तो क्योंकि मैं ऑलरेडी फिजिकली मेंटली फिट इंसान थी, तो पहाड़ जब मैंने चढ़ना शुरू किया तो उसमें बिल्कुल बहुत हद तक काम आया. उसके बाद जिंदगी में जब आगे ऐसे मौके आए जहाँ विपरीत परिस्थितियां आई बहुत ज्यादा, जहां पे कभी कभी इंसान टेम्परेरी हार भी गया परिस्थितियों से, तब भी किस तरीके से आप दोबारा उठते हैं और दोबारा फाइट करते हैं. बेसिकली जो मिलिट्री ट्रेनिंग है वो आपको फाइटर बनाती है, वो आपको सोल्जर बनाती है. सोल्जर का काम ही फाइट करना है, फाइट अगेंस्ट. तो गिव अप करने का आपके पास है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है. आप थोड़े समय के लिए हार सकते हैं, थक सकते हैं, लेकिन आप गिव अप नहीं कर सकते हैं. और जब इंसान का दिमाग में ये बात भर दी जाती है एक बार, तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो आगे, परिस्थितियां कैसी भी हो, काम चाहे कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आप जीवन भर मिलिट्री के फ्रंट पे रहें, लेकिन जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ा बैटल फील्ड है. इंसान चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, परिस्थितियां भी विपरीत आएंगी, कभी कभी रिसोर्सेज भी कम होंगे, कभी कभी आप हार भी जाएंगे, कभी कभी आपको लगेगा आगे कोई रास्ता ही नहीं है कि क्या किया जाए. तो अगर आपके पास ये माइंडसेट है कि हार तो माननी नहीं है और हार फाइनल नहीं होती है, और एक सोल्जर की तरह आपको री अटैक करना है हमेशा. कोई भी सेना क्या करती है, अगर उसको रिट्रीट भी करना पड़ता है कभी कभी परिस्थितियों की वजह से, तो वो हमेशा ये देखते हैं कि हमारी कमी क्या रही, हमारा दुश्मन हमसे कहाँ अच्छा था. हमेशा ये एनालिसिस होती है कि दूसरा हमसे कहाँ बेहतर रहा, हम कहाँ कमजोर रह गए. अब उस चीज को पूरा करना है, दूसरे से बेहतर बनना है, और फिर से अटैक करता है. तो ये स्ट्रेटेजी एक सोल्जर हमेशा अपनी जिंदगी में भी अपनाता है. So like ma'am, आपकी lessons क्या-क्या थे एयरफोर्स के जो आपने, आप जो शेयर करना चाहोगे, जो आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें आफ्टर लीविंग द इंडियन एयरफोर्स? ये सबसे बड़ा लेसन मैंने जाना ह्यूमैनिटी का. फौज में जैसे मैंने कहा कि वहां इंसान डिवाइड नहीं है छोटे छोटे प्लेन्स पे. मैं जितना भी समाज को देखती हूँ, चाहे वो कोई भी समाज किसी भी समय का रहा हो, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, कहीं की भी बात कर लीजिए दुनिया में, तो हमेशा कुछ ना कुछ डिविजन्स रहे हैं इंसानों के बीच में. इंसान बहुत डिफरेंट तरीके से रहते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, उनकी वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट होती हैं. लेकिन फौज से जो मैंने पहली चीज सीखी है वो है इंसानियत. तो वो इंसानियत मेरे अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरी है, और मैं हमेशा इंसान को सबसे पहले एक इंसान के रूप में देखती हूँ, और बाकी सब चीजें मेरे दिमाग में बाद में आती हैं. तो कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे मेरी तरफ से किसी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकेगा जिंदगी में कभी भी. दूसरी बात जो मैंने सीखी वो है कि आप यूनिटी रखिए. यूनिटी बहुत जरूरी है, टीम वर्क बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके परिवार में हो, चाहे वो आपके कार्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके अपनी अपने व्यक्तिगत लेवल पे हो, आपके दिमाग, आपके सोल और आपके दिल के भीतर. जब तक वो यूनिटी नहीं होगी तब तक बहुत ज्यादा असंतोष रहेगा हर जगह, बड़ी केओस रहेगी हर जगह. तो इंसान सबसे पहले खुद से शुरू करे, वो क्या करना चाहता है, उसके दिमाग में थॉट्स क्या है, उसका शरीर क्या काम करता है, उसका दिल क्या मानता है, उन सब में एक यूनिटी आ जाए तो इंसान अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्तित्व हो जाता है. और दूसरा, अगर यही आप लागू कर दें समाज के ऊपर अपने हर कार्य क्षेत्र में, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी की खत्म हो जाएंगी. और मेरे ख्याल से जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो एक बहुत पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज हो सकेगा. तीसरा जो मैंने समझा फौज से वो यही जो मैंने अभी शेयर किया कि कभी भी हार न मानने वाली जो मानसिकता है, वो कुछ भी हो जाए जीवन में,
हार फाइनल नहीं होती है, आपके पास हमेशा मौका है दोबारा अटैक करने का, दोबारा अपने आप को बेहतर बना के फिर से फ्रंट पे वापस जाने का हमेशा मौका है। रिसोर्सेज आपके कितने भी कम हो, फौज ने हमें ये सिखाया कि आपके रिसोर्सेज कितने भी कम हो आप अपना काम मैनेज कीजिए, तो ढूंढ के लाइए, दुनिया में रिसोर्सेज बहुत हैं, ढूंढ के लाइए जहां से भी लाना चाहें। तो एक पॉजिटिव इंक्लिनेशन एक व्यक्ति का बन गया। और तीसरी बात, और बाकी जो नेक्स्ट बात हमने सोची सीखी फौज से वो थी एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, स्टैग्नेशन जीवन में नहीं होना चाहिए। अगर आप एक जगह पर रुक गए तो आपकी ग्रोथ बंद हो गई। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है इसमें, अपने से बहुत अलग अलग चीजें हैं। जहां हम पैदा हुए हैं वहां की संस्कृति वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, वहां के विषय में हमें अपनी जड़ों से जरूर जुड़े रहना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक इंसान के रूप में आपको जितना इस दुनिया में आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे वो एक नेचुरल ब्यूटी हो, चाहे वो किसी डिफरेंट बैकग्राउंड के इंसानों से जुड़ना हो, उनसे सीखना हो, उनके उन्हें सुनना हो, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ना हो, पेंटिंग्स देखनी हो, जीवन में जितनी तरह तरह की विधाएं हैं, आप अपने आप को सीमित मत कीजिए, एक्सप्लोर। इस दुनिया में बहुत बहुत कुछ है सीखने और जानने के लिए, तो कभी भी सीखना बंद ना करें एक इंसान के रूप में, एक्सप्लोर करते रहे, नई नई चीजें आएंगी, एडवेंचर जिंदगी में जरूरी है। तो ये सब कुछ छोटी कुछ बातें हैं जो बहुत डीप हैं, जो फौज हमें सिखाती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करती रह सकूं। तो लेकिन आप एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे आपने जब फोर्स में थे, सो लाइक आजकल ये टॉपिक ट्रेंड में है, बट आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सिली लग रहा होगा, वो ये कि क्या यूएफओज और एलियंस एग्जिस्ट करते हैं आपके रेडार में, या कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कुछ अनवांटेड? इस दुनिया में कोई भी चीज सिली नहीं होती है, क्योंकि देखिए जब कोई पुरानी चीज, जैसे गैलीलियो ने कुछ कहा था, है ना, आपको याद होगा, तो उस समय पे गैलीलियो की बात किसी ने मानी नहीं। गैलीलियो से पहले आर्यभट्ट वो बात कह चुके थे, लोगों को पता नहीं था वेस्ट में, तो पर बातें बाद में जाके वो सही हो गई ऐसी। तो हम ये कह नहीं सकते पूरे तर्क के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि आज हमने जो चीज देखी नहीं है वो कल आ नहीं जाएगी अस्तित्व में हमारे सामने। तो किसी भी चीज को पूरी सतह से नकार देना मेरी नेचर में नहीं है। हाँ, जहां तक यूएफओस की बात है, और तो पता नहीं कि दूसरी दुनिया कहीं किसी और प्लेनेट पे कुछ अस्तित्व होगा जिंदगी का, हो भी सकता है, यू नेवर नो, है ना। तो अगर कभी सामने आएंगे, हमारे जीवन काल में आ गए, तो एक नई अच्छी डिस्कवरी होगी, और नहीं तो फिर ये तो एक एक्सप्लोरेशन है, जैसे मैंने अभी कहा, इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, नई नई खोजें चलती रहनी चाहिए। हालांकि मेरे साथ अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे हुआ नहीं। So then, how your menstruation cycle affects in your job, like change in hormones, and when you grow up, you will face so many difficulties as a girl. So, like, how you face them and how you deal with them? Very, very, very well put. I would say I would give you a pat on your back for bringing it up on this podcast, Harshit. Yes, women do face it. ये उनके लिए एक बहुत बड़ा challenge है कि किस तरह से वो अपनी हेल्थ को साथ में रखते हुए मेंस्ट्रुएशन पीरियड इसमें, और मुझे लगता है कि इसमें बात करना एक जरूरत है, नेसेसिटी है हमारे समय में, क्योंकि एक अगर हमें जुखाम हो जाता है ना, तो हमें बड़ा अनईजी फील होता है, हम कहते हैं आज हमें जुखाम हो गया, आज बहुत ज्यादा काम कर नहीं पाएंगे, है ना। आप सोचिए कि अगर आपके बॉडी में से ब्लड फ्लो हो रहा है और आपको पेन भी है, लाइक आई वुड टेल दैट आई हैव इमेंस पेन ऑन माय फर्स्ट डे ऑफ अ पीरियड। So, अगर आपके बैक में पेन है, स्टमक पेन है, योर लेग्स आर एकिंग, सो योर एंटायर बॉडी इज एकिंग, और आपको एनर्जी लॉस भी लग रहा है उसमें, तो ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही अगर सोसाइटी का एटीट्यूड ऐसा है कि आप उसमें बात ही नहीं कर सकते, वो एक टैबू है, आपको उसे छुपा के रखना है, देन इट बिकम्स इमोशनली ऑल्सो अ बर्डनसम एक्सपीरियंस फॉर सम, जबकि एक बहुत ही नेचुरल चीज है ना, जैसे हम रोज उठ के अपने बॉडी के बाकी नेचुरल फंक्शंस करते हैं, वैसे ही एक नेचुरल फंक्शन है। तो इस पे बात होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड से, सिंपैथी भी नहीं, आई वुड से एम्पैथेटिक एटीट्यूड,
कि हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए जिसको दर्द है, दर्द तो वही समझ सकता है, लेकिन दूसरा इंसान एम्पैथी रख सकता है उससे। तो अपने मेन फोक, चाहे वो हमारे ब्रदर्स हैं, फादर्स हैं, या हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, या हमारे साथ वर्क प्लेस पे लोग हैं, मुझे लगता है कि उनमें वो एम्पैथी होनी चाहिए। एंड हमें वो एनवायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां विमेन खुल के ये बोल सके कि भाई जैसे आज हमें बुखार है तो आज हमारे पीरियड्स हो रहे हैं, उसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं, ओह वो यू आर टॉकिंग अबाउट योर पीरियड्स। जैसे हम बुखार के बारे में बोल सकते हैं, वैसे हम पीरियड्स के बारे में बोल सकते हैं। दो इट इज नॉट एन इलनेस, इट इज नॉट एन इलनेस, बट इट समवेयर हैम्पर्स योर बॉडी। तो वो एनवायरमेंट हमारी सोसाइटी में बने कि उसके विषय में हम खुल के बोल सके, और वो एम्पैथी लोगों में आए कि ठीक है, अगर आज इफ शी इज नॉट फीलिंग दैट एनर्जेटिक ड्यू टू दिस रीजन, इट्स ओके, है ना। किसी किसी देशों में महीने में एक बार पीरियड्स के लिए छुट्टी होती है। तो ऐसे देश भी हैं जहां पे ये चीज रिकॉग्नाइज है कि महिलाओं को उस दिन थोड़ा रेस्ट करने की आवश्यकता है, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग दैट वेल। तो उनके लिए वो एक महीने में वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से छुट्टी ले सकती हैं। इस पे विचार विमर्श चल रहा है, और मुझे लगता है कि हमें भी कुछ इस तरह का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की हेल्थ अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। जब जैसे मैं पहाड़ चढ़ती थी, तब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको पीरियड्स हो गए हैं पहाड़ चढ़ते समय, तब आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कोप अप करेंगे, क्योंकि पहाड़ चढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा फिजिकली स्ट्रेनस वर्क है। तो वहां पर देखिए फिर से आपकी वो मेंटल शक्ति कहीं ना कहीं आपको यूज करनी पड़ती है। और मैं हमेशा लोगों को ये बताती रहती हूँ कि जब हम कहते हैं कि महिलाएं फिजिकली वीक हैं, देखिए फिजिकली उनकी कैपेबिलिटीज डिफरेंट हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग कह देना अपने आप में डेरोगेटरी वर्ड्स हैं। फिजिकल कैपेबिलिटीज डिफरेंट हैं, पर मेंटल कैपेबिलिटीज इक्वल हो सकती हैं, है ना। हम कंपेंसेट कर सकते हैं, कंपेंसेशन की जो बात है। तो भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, किसी को कोई क्षमता ज्यादा दी है, किसी को कोई क्षमता दूसरे क्षेत्र में ज्यादा दे दी है, है ना। तो अगर लोग कहें कि आप वीक हैं फिजिकली, तो मुझे लगता है कि इसे कभी कभी मैं उनसे क्वेश्चन पूछती थी, आप सोचिए एक महिला जो कि उसके पीरियड्स भी हैं, उसको दर्द है पूरी बॉडी में, शी इज फीलिंग थोड़ा सा लेस एनर्जेटिक दैट डे, और वो भी वही पहाड़ चढ़ रही है, और आप भी वही पहाड़ चढ़ रहे हैं विदाउट दीज कंडीशंस, तो वीक कौन है या स्ट्रॉन्ग कौन है, है ना। तो ये सोचने की बात है। तो ये सब है कि थोड़ा सा इस पे विचार किए जाने की आवश्यकता है हमारे देश में, और अच्छा लगता है मुझे जब आपके जैसे युवा इस विषय में खुल के बात कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक वी हैव प्रोग्रेस्ड। सो मैम, लाइक जब आपने मुझे बताया था कि आप टेस्टिंग के लिए जाते हो जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, ताकि आप उनको कंट्रोल, आपको कैसे करना है, आपको डायरेक्शन कैसे देनी है, आप बता सको। सो लाइक जब आप पहली बार फाइटर जेट में बैठे थे, तो आपके लिए वो क्या कैसा मोमेंट था, वो कैसी फीलिंग थी, तो कैन यू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स इफ यू कैन। हां, हालांकि कोई कोई फीलिंग आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट स्टिल आई वुड ट्राई। तो इनफैक्ट पहला जब मेरी फाइटर सॉर्टी हुई थी, तो जो हमारे कमांडर थे स्टेशन के, तो वो एक फॉर्मेशन में हम लोग जा रहे थे, चार जहाज का फॉर्मेशन जा रहा था। तो वो ही वाज गोइंग एंड ही वाज इन द अदर एयरक्राफ्ट, जिस एयरक्राफ्ट में मैं थी एक फ्लाइट कमांडर के साथ में, और दूसरे एयरक्राफ्ट में हमारे हेड ऑफ द स्टेशन थे, सो द सीनियर ऑफिसर रोटी सर, आई स्टिल रिमेम्बर हिम वेरी वेरी फॉन्डली एंड विद ह्यूज रिस्पेक्ट। सो ही वाज आल्सो देयर। एंड पूरा जब आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, वो अपने आप में एक अलग ही फिजिकल एक्सपीरियंस भी है और मेंटल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जनरली नेचुरल लॉ है कि आप नीचे आएंगे ग्रेविटी की वजह से, यहाँ आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो कभी कभी कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है या कुछ हो जाता है, बट मुझे नहीं हुआ थैंकफुली। सो आई वॉज फिट ऑल्सो एंड आई वॉज एंजॉइंग इट। तो आपको वो आसमान में उड़ना, वहां वो भी इतनी स्पीड पे, आपके बगल में बिल्कुल एक जहाज चल रहा है, लेफ्ट में एक राइट में चल रहे हैं, तो वो एक अलग ही अनुभूति है। खैर मुझे लगता है कि जो पायलट्स हैं उनका एक बिल्कुल अलग टाइप का ही एटीट्यूड होता होगा कि जिंदगी भर दे लव फ्लाइंग, पीपल हु आर पायलट्स दे जस्ट लव फ्लाइंग, बिकॉज दैट काइंड ऑफ अ एडिक्शन होता होगा शायद उनको उस अनुभूति के साथ में। और जब मैं नीचे आई, तो अगेन द कमांडर सेड, आई मीन ही गेव मी अ पैट ऑन द बैक, she didn't puke. Wow, you did well. It is a
वंडरफुल एक्सपीरियंस और एक पावरफुल मशीन को आप हैंडल कर रहे हैं. बेसिकली मशीन्स अपने आप में विदाउट ह्यूमन बीइंग मशीन्स तो अपने आप में कुछ नहीं है. सो इट इज द ब्रेन, इट इज द करेज ऑफ द पीपल हु फ्लाई दीज प्लेन्स. So recently I had done a conversation with an IAS officer, Mr. Vivek Atre. So he told me that like Harshit, when a person from 9 to 10 years of age, he उसके वहीं से दिखने झलकने लग जाता है कि like हाँ वो IAS बनेगा. मतलब आपको लगता है ना जैसे कुछ दूध के पा वो दांत पालने में दिख जाते हैं, something like कहावत भी ऐसे. तो वो चीज आपको ऐसा मिलिट्री या एयरफोर्स में होता है कि मतलब आपका जो माइंडसेट होता है वो 8 से 9 ईयर्स की एज में ही डेवलप हो जाता है. हाँ, मुझे लगता है कि लोगों में देखिए कोई भी काम हम जो आगे जाके करते हैं उसके बीज हमारे अंदर हमेशा से रहते हैं. जैसे अगर मैं सोचूं कि मैंने क्यों जाके सेना ज्वाइन की, तो जब मैं अपनी क्लास में मैं पढ़ रही थी तब आई यूज्ड टू बी अ लीडर इवन देन. अगर मुझे लिटरेचर पढ़ना पसंद है, पर हमारी सारी रेसिसेस में मैं सेंटर में होती थी, एक किताब पढ़ रही होती थी जोर से, और मेरे चारों तरफ मेरे फ्रेंड्स बैठे होते थे, वो सुन रहे होते थे. सो आई एम स्टिल एट दैट प्लेस लीडिंग दैट ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ माय फ्रेंड्स बिकॉज आई कैन बी इन द सेंटर एंड आई कैन टेक दैट अटेंशन. और क्लास में भी अगर कुछ कहना हुआ तो खड़े होकर बोलने में कभी कोई झिझक होती नहीं थी. आई थिंक वी हैव दोज काइंड्स ऑफ ट्रेट्स विद इन अस. और जरूरी है कि हम अपने अंदर के ट्रेट्स को पहचाने. पेरेंट्स भी अपने बच्चों के पर्टिकुलर ट्रेट्स को पहचाने और उनको वही उसी तरफ मार्गदर्शन करने की कोशिश करें. क्योंकि अगर हमारी पर्सनैलिटी एक दूसरे प्रकार की है और अब हम दूसरे क्षेत्र में काम करने चले गए तो फिर हम बहुत ही डिससेटिस्फाइड रहेंगे वहां पे. तो ये तो है ही. खैर, हाँ, जैसे मैंने माउंटेनियरिंग शुरू की तो मुझे हमेशा से नेचर से लगाव था. मुझे हमेशा से पेड़ पौधे पसंद थे और इसीलिए शायद मैं उनके सानिध्य में आगे जाके जब मुझे मौका मिला तो मैंने वॉलंटियर किया. और मैं So ma'am, what do you think about the future of our Indian Air Force? Like, how it is going? And it is a powerhouse and it is going to remain so. It is the fourth biggest air force of the world. And resources bhi hum apne aur achhe kar hi rahe hain. Jahan tak, aur jaise maine abhi kaha ki machines jo hain wo human beings ke bina to machines ka apna koi astitva hai nahi. Aur mujhe lagta hai ki jo hamari forces hain usme uska jo morale hai, uski jo training hai, uska jo purpose hai, unity hai, it is just commendable. So jab bhi kahin kisi valor ki baat aati hai, Indian soldiers ka valor is unmatchable. Air force ka future mere hisab se to hamari all armed forces have a very bright future because we are like that. Have it in us. I think that's one point. So, do you think is there any confusion between our air forces and other, and as you can see, your opponents? Like when in the sky, you will see that your aircraft, and similarly your opponent's aircraft, you can say your enemy aircraft. Yeah, right. So, like, what do you think about that? Is there any confusion, or you can easily identify? We can identify. Now we can identify on the ground also, and we can identify in the air because har plane pe uski country ka flag laga hota hai. And then the air traffic control area of that airspace has the information. Kaun sa plane kab airborne hoga? Without information, planes is tarike se airborne nahi hote hain. To ATC ke paas bhi wo information rehti hai, and that is why we can identify also. उसके थोड़े अलग स्पेसिफिकेशंस भी हैं, उसके पूरा प्रोसीजर है कि अगर कोई कंफ्यूजन है भी कभी कि हमारा प्लेन है किसका है. जैसे हमें अगर अपनी मशीन्स ऑन करनी है, लाइक गन्स ऑन करने, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन्स अगर हमें ऑन करनी है मशीन गन्स, तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है टू आइडेंटिफाई फ्रेंड ऑफ वो. तो एक तरीका है कि अच्छा आप बताते हैं, लाइक कंट्रोलर पूछते हैं जहाज से आइडेंटिफाई फ्रेंड ऑफ वो. Then it employs a certain kind of techniques. अगर वो एक friendly aircraft है तो वो बताने की, communicate करने की कोशिश करते हैं. अगर उनका communication भी impair हो जाता है, किसी तरीके से RT, radio telephony नहीं हो पा रही है, तो भी बहुत सारे physical maneuvers हैं जो कि जहाज करते हैं, जिससे वो identify करते हैं कि ये एक friendly aircraft है. अगर वो ATC का instruction नहीं मान रहा है तो of course वो एक foe है, वो एक enemy aircraft है. और फिर हम उसका भी एक प्रोसीजर है कि उसको किस तरीके से टैकल करना है. हमारे अपने जहाज हैं जो जाके who will engage that aircraft and fight with it. So ma'am, like मैं आपकी थोड़ी सी बुक के बारे में जानना चाहूंगा जो आपने लिखी है. So like
उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि वो एक्चुअल में क्या, किस पर्सपेक्टिव पर है, ताकि लोग उसपे इंस्पायर हो सके। जी, तो मेरी बुक का नाम है बियॉन्ड दैट वॉल, बियॉन्ड दैट वॉल, दीवार से परे। हिंदी में वैसे भी वर्जन आया नहीं है, इंग्लिश में वर्जन है, बियॉन्ड दैट वॉल रिडेम्पशन ऑन एवरेस्ट। सो ये मेरे माउंट एवरेस्ट के क्लाइम की कहानी है। उसमें एडवेंचर तो है ही, क्योंकि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसे चढ़ना अपने आप में एक बहुत ही सुपर ह्यूमन काम मैं कहूंगी, चाहे कितने भी लोग दुनिया के उसे आज तक चढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक ह्यूमन विल एंड ह्यूमन स्ट्रेंथ का एपिटोम की तरह देखा जाता है। और मुझे लगा कि गॉड हैड बीन रियली काइंड टू मी, बिकॉज मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं टॉप तक नहीं पहुंच पाई थी 2011 में। सो जिसे दुनिया फेलियर कहती है, उसका थोड़ा सा स्वाद मुझे वहां 2011 में मिला। और उसके बाद इंसान किस तरह से उठकर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे टू नेवर गिव अप, तो किस तरह से इंसान उठकर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, और उसके बाद रीअटैक। मैंने अपनी खुद की एवरेस्ट एक्सपीडिशन की 2012 में, अपनी छुट्टी लेकर अपने खर्चे पर, विच वॉज वेरी अनकन्वेंशनल एट दैट टाइम, आज भी है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल वो। तो जो हमने भी बात कही थी कि लोगों ने किया है पहले या नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि आप करने के लायक हैं, तो आप करिए। सो ये कहानी एक बेसिकली इंस्पिरेशनल कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हार गए एक बार, दुनिया की नजरों में हार गए, अपना टास्क नहीं अचीव कर पाए, और उसके बाद दोबारा किस तरह से एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन करके, क्योंकि कभी भी जब आप कोई काम करेंगे उसमें आपकी आंतरिक शक्ति बहुत ज्यादा सम्मिलित होगी। तो अंदर जो परिवर्तन इंसान के हुए हैं कि वही टास्क जिसने वो, जिससे कि मैं पहले डिफीट हुई थी, वो टास्क मैंने किस तरह से माउंट एवरेस्ट पर कैसे मैंने 2012 में फिर से चढ़ाई की और सक्सेसफुल चढ़ाई की, उसमें जीने मरने के क्षण बहुत सारे आए, उसमें हताश निराश होने के मौके बहुत सारे आए, लेकिन इंसान के अंदर वो क्या क्षमता है कि हर बार लगे कि मौत के मुंह पे खड़े हैं, हर बार लगे कि अब रास्ता आगे नहीं, कि अब बस राहें बंद, हर बार इंसान वो रास्ते खोल सके। ये सिर्फ एवरेस्ट की कहानी नहीं है, क्योंकि एवरेस्ट हम सब चढ़ते हैं रोज, कोई ना कोई एवरेस्ट हम सबके सामने है। तो किस तरह से इंसान अपने अपने एवरेस्ट चढ़ सकेगा, ये कहानी उसकी है। और इसीलिए ये किताब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, बल्क में खरीदी जा रही है, कोई 40 कॉपीज की बरेली के एक स्कूल ने खरीदी है, विद्या भारती स्कूल ने, 25 कॉपीज इसकी कलकत्ता के टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ने खरीदी हैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसको बल्क में खरीद रहे हैं, अपने स्टाफ को गिफ्ट कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों ने बहुत सारी साइंड कॉपी मुझसे ली है, जो लोग मुझे जानते हैं पर्सनली तो वो मुझसे मेरे साइन के साथ। एक काम मैं और करती हूँ जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति क्योंकि यूनिक है, तो जब भी मैं किसी को किताब भेजती हूँ तो उसके लिए उसके उसका एक पर्सनलाइज्ड मैसेज मैं उसको लिख के भेजती हूँ, ताकि उसे ये याद रहे कि वो एक यूनिक व्यक्ति है। तो जो मैसेज मैं उस किताब पर लिखती हूँ वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से लिखती हूँ। ये मेरी ह्यूमन एक्सीलेंस और यूनिकनेस को एक छोटा सा तोहफा है, एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट। सो लाइक थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत कुछ चीजें बताई, और मैं आपकी माउंटेनिंग लाइफ को किसी और पॉडकास्ट में जानना चाहूंगा, बहुत बड़ी लाइफ है आपकी। पर जाते जाते मैं आपकी आपसे चाहूंगा कि आप एडवाइस दो यूथ को, जो अगर आप दे सको तो काफी अच्छा रहेगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर यूथ एंड एडवाइस फॉर यूथ? मुझे लगता है कि हमारे जो युवा शक्ति है इस समय हमारे देश की और इनफैक्ट विश्व में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और जितना मैं देख रही हूँ आजकल बच्चे बहुत ही डिफरेंट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं और इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं सामने, तो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का भी, हमारे देश का भी। इसको बनाए रखिए, अपने आप में विश्वास कीजिए। देखिए कोई भी काम आसानी से इस दुनिया में होता नहीं है, और हो जाए तो फिर वो काम बड़ा नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, वर्थ परस्यूइंग नहीं है। इसलिए जब भी बाधाएं आए आप डटे रहिए, बी अ फाइटर इन योर ओन फील्ड। हर व्यक्ति को फाइट करने की क्षमता, आप अपने अपने क्षेत्र में एक फाइटर बनिए, क्योंकि अगर एक लक्ष्य निर्धारित किया है तो वो फाइटिंग कैपेसिटी टिल द एंड आपके अंदर होनी चाहिए, वो है आपके खुद के भीतर है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है उसे। कितने भी बाधाएं आए आप फिर से उठिए, फिर से चलिए। हर काम इस दुनिया में संभव है,
अगर हम उसे करना चाहें। और डिफीट सिर्फ सबसे पहले हमारी हमारे दिमाग में होती है, इसलिए अपने दिमाग को एक विनर का दिमाग बनाइए। जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने आप में विश्वास रखें। तो थोड़ा थोड़ा मैं और यूथ को ये कहना चाहूंगी, पढ़ने की आदत आप थोड़ा डालें, क्योंकि आजकल डिजिटल एज है, अच्छी बात है, वहां से भी इंफॉर्मेशन लीजिए, लेकिन दिन का थोड़ा सा समय, स्पेशली सुबह का समय, कुछ जो इस दुनिया के ब्रिलियंट माइंड्स जिन्हें हम कहते हैं, जो आपसे पहले, हमसे पहले हुए हैं, उनके विचार पढ़िए। सो अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाने के साथ साथ मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छे इंसान बनकर इस दुनिया में जिए, और इस दुनिया से जब जाएं तो अपने पीछे कुछ अच्छा छोड़कर जाएं, जिससे आगे की जनरेशंस भी इंस्पायर होती रहे। थैंक यू सो मच मैम, और आपके साथ एक अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, और आपने इंडिपेंडेंस डे की ओकेशन पर आपने काफी कुछ चीजें, हमारे इंडियन एयरफोर्स और बहुत सारी चीजें आपने ज्ञान दिया। सो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एंड मैम आपके साथ मैं फिर से, अगर आप फ्री होगी तो आपके साथ एक और कॉन्वर्सेशन करना चाहूंगा, जिसमें आपकी माउंटेनियरिंग लाइफ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो भी बहुत जल्द अगर आप फ्री होगी तो मैं करना चाहूंगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज यू सर्व आवर नेशन इन फॉर रिसेंट 10 years, एंड थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि मैम आपके, मैम के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले जाएंगे, तो अगर आप उनसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हो, सो डेफिनेटली आप उनसे ले सकते हो। एंड मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉडकास्ट, कि कैसा रहा हमारा ये पॉडकास्ट? मुझे आपसे मिलके ही अच्छा लगा। ये तो शुरू में मैंने आपको बताया हर्षित, तो आपने जैसे अपना सेटअप बना रखा है, वेल डन, आप इस एज में इतना काम कर रहे हैं, तो मैं देख सकती हूँ कि फ्यूचर में और अच्छा करेंगे। माई बेस्ट विशेस टू यू, आप ऐसे ही काम करते रहें, अच्छा इंस्पिरेशन स्टोरीज लोगों के सामने लाते रहें, क्योंकि आवश्यक है। और अब क्योंकि हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, मैं ये बात कहना चाहूंगी फिर से, एक रिमाइंडर, हालांकि हम हर साल अपने आप को बताते हैं, पर बताने की जरूरत है कि आजादी मुश्किल से मिली है, खून बहाकर मिली है, संघर्ष करके मिली है, तो जो इतनी मुश्किल से मिली चीज है उसको गंवाना नहीं है, बनाए रखना है। बॉर्डर पर सेना बना के रख रही है, बॉर्डर के अंदर हमारे देश में हमें बनाए रखने की जरूरत है, और वो यूनिटी बना के रखने की जरूरत है। साथ ही एक अच्छे इंसान, अच्छे सिटीजन बन के देश के प्रति सोचने की जरूरत है, अपने से ऊपर उठकर। सो थैंक यू सो मच हर्षित फॉर हैविंग मी हियर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय हिंद।